हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके प्यारे चैनल स्टडी विद मुशायद में। और आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आइए मैम, तो आज मैं आप लोगों के लिए वही लेकर हाजिर हूं। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कराईकल, ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं, ऑप्शन डी 17वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए सेंट एंजेलो फोर्ट, ऑप्शन बी सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी फोर्ट इमैनुअल, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट डेविड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट एंजेलो फोर्ट। दोस्तों, आप लोग जो है वो वीडियो पॉज करके इसके आंसर देते रहिएगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस समय में खुद को स्थापित किया था। ऑप्शन ए 1600 से 1612, ऑप्शन बी 1641 से 1645, ऑप्शन सी 1701 से 1710, ऑप्शन डी 1721 से 1728। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1600 से 1612 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उनमें शामिल नहीं था। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा युद्ध शामिल नहीं था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो पहले उसको नहीं को अलग से मार्क कर लिया करिए जिससे गलती ना हो। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एंग्लो मराठा, ऑप्शन बी एंग्लो सिख, ऑप्शन सी एंग्लो मैसूर, ऑप्शन डी एंग्लो बांग्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंग्लो बांग्ला। बच्चों, मैंने कल कुछ जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बताया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील, ऑप्शन बी गोल्डन झील, ऑप्शन सी हरिके झील, ऑप्शन डी सुखना झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। पॉज करके वीडियो आप लोग अपना आंसर दीजिए और चेक करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मराठा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए श्री रंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी सलवई की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री रंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी जेम्स हार्टली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी श्री रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लेखराज खूबचंद कृपलानी, ऑप्शन सी भक्ति विनोदा ठाकुर, ऑप्शन डी उपासनी महाराज। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। हाँ दोस्तों, ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और मतलब बच्चे बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग को पॉलिटी और इस तरीके से क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू और चाहिए, तो मैं जो हूँ स्टार्टिंग से जो है इन सब की एक सीरीज़ वाइज लेकर आ रही हूँ एमसीक्यू आप सभी के लिए। और सभी सब्जेक्ट की पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप लोग उसको देखिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। बाकी आप सब लोग के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी वैकेंसी आ रही है यूपी में, तो अब आप सभी लोग रेडी हो जाइए जिससे सिलेक्शन ले पाएँ। और एक वीडियो भी मैंने बनाई है जो अभी अपलोड नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद हो जाएगी, उसमें सारी वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है। आप लोग चाहें जो भी मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो सर हैं ही बताने के लिए। बाकी मैं आप लोगों को जीएस के पोर्शन से और क्या चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए प्लीज़, तो हम उस चीज़ को जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।